एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है, मतलब हो रहे होंगे शायद 10-11 बज रहे होंगे इस टाइम पे। और मेरा रूम जो है बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो। कपड़े जहाँ हैं वहीं पर हैं 2-3 दिन से, और बस बेड पूरा ख़राब पड़ा था। बेड तो मतलब रोज़ साफ़ हो जाता है, लेकिन जो कपड़े वगैरह थे वो बिल्कुल भी मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, ना इधर से उधर रख पा रही थी, ना कपड़े मैंने 2-3 दिन से धोए हैं। रीज़न काफ़ी लोगों को पता होगा, एक्चुअली सिया की तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, 2 से 3 दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, जिस वजह से सिर्फ मैं उसके पीछे पीछे लगे हुए थे हम लोग। तो इस चक्कर में जो कपड़े थे वो नहीं धुल पाए हैं, और जो कपड़े जहाँ पे थे बिल्कुल वहीं पे पड़े हुए थे, बेड के ऊपर जो सामान था वैसी था। तो अभी आज थोड़ा सा सिया को थोड़ा बेटर लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं अपना रूम जो है थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ था, फिर देखते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो फिर ध्यान सारा बच्चे पर ही चल जाता है। तो अभी मुझे टाइम लगा है, और साथ में सिया भी थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं सारे के सारे जितने भी कपड़े धोने वाले हैं वो अलग कर देती हूँ, जितने रखने वाले हैं वो साइड कर देती हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि आज मैं मशीन में कपड़े धोऊंगी। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, 2 से 3 दिन के कपड़े हैं, इस वजह से मैंने कहा हाथ से धुलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम भी इस टाइम पे थोड़ा सा रहता है ना कि लेट करते रहो तो फिर और लेट हो जाता है। तो मैंने कहा अभी भिगो भी रखे थे कपड़े, तो मैंने कहा चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, और इनके भी कपड़े थे, बच्चों के तो 2 से 3 दिन के कपड़े थे, मेरे भी थे। मैंने कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हो कि जब बच्चा बीमार होता है तो फिर हम लोगों का ध्यान सिर्फ ऐसा लगता है कि बस बच्चा ठीक हो जाए, बच्चे के साथ हम बैठा रहे, बच्चा माँ पे ही चिपका रहता है, ऐसा भी होता है। तो इस वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ अपना, तो मैंने कहा आज मैं मशीन ही लगाती हूँ, तो फिर मशीन लगा रही हूँ आज मैं कपड़े धोने के लिए, तो फटाफट काम हो जाए इस वजह से। कैसे हो आप सभी, और आज मैं आपको दिन बता देती हूँ। आज सैटरडे है और डेट शायद 9 तारीख है आज। तो मैं अपना व्लॉग अभी 12:15 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब वैसे तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मतलब मैंने शूट कर दिया जितना मेरे से हुआ अभी, क्योंकि सुबह से बहुत बिजी थे और 2 दिन से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए हैं, क्योंकि सिया की तबीयत इतना ठीक नहीं है उसको। मतलब जिस दिन हमने चूल्हे पे वो गुलगुले बनाए थे उस दिन, मतलब उस दिन से उसको हल्का हल्का था, लेकिन रात से ज़्यादा उसको बढ़ गया था। तो उसकी जो ऊपर वाला दांत होता है यहाँ का, उसमें उसका पेन होने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उसको मॉर्निंग में डॉक्टर के पास ले गई थी, तो डॉक्टर ने उसको एक्सरे वगैरह लिखा था, फिर जहाँ पे हम लोग एलर्जी का मम्मी का दिखाते हैं, फिर मैंने एक बार सोचा चलो उनसे भी कंसल्ट कर लेती हूँ मैं, तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर बताया मुझे, तो मैं वहाँ पर लेकर उनको गई, तो फिर वहाँ पर चेकअप करवाया, तो उसके पूरे उस वाले दांत में पूरा पस हो रखा था। तो उससे पहले उसको कभी भी ऐसे प्रॉब्लम हुई नहीं, दांत में दर्द या फिर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे ऐसा लगा ही था कि बस उसके दांत में पड़ सकता है। मुझे लगा हल्का सा कीड़ा लगा हुआ है, तो शायद उस वजह से उसके दर्द हो रहा होगा। तो उसके बहुत पस था, डॉक्टर ने मुझे दिखाया, कल मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी, और पूरा उसका क्लीन हुआ है, उसका फेस इतना सूज चुका है, इतना
कल तो इतना ही था सच्ची में, उसकी पूरी आँख भी नहीं खुल रही थी, इतना सूज गया था। मैं मॉर्निंग में उसका चेहरा देख के डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि तो हम थोड़ा सा हम क्योंकि मैंने इस तरह का देखा नहीं है कि दांत में दर्द होता है, तो चलो फेस इतना स्वेलिंग हो गया और 2 दिन से वो सोई नहीं, ना उसने मुझे सोने दिया रो रो के, क्योंकि वो वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा वो इतना दिखाती नहीं है ना, तो हम लोगों को लगता है कि ठीक है ठीक है, लेकिन परसों उसको बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर कल जब मैं उसको दिखा कर लाई हूँ तो उसका पूरा पस वगैरह डॉक्टर ने क्लीन करा है, पूरा साफ़ करा है और उसको दवाई दी है। अब तो उसके स्वेलिंग काफ़ी हद तक ठीक है, नहीं तो वैसे उसकी आँख ही नहीं खुल पा रही थी, तो अभी वो ठीक है। और फिर इसलिए मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग आज बना देती हूँ, मैं 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि जब बच्चे ठीक नहीं हो, बच्चे नहीं घर में कोई भी तबीयत ठीक ना हो तो जाते ही नहीं है ऐसे कि हम लोग वीडियो बनाएं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा तो अभी कितने 11 बजे तक भी वो उसका यही चल रहा था, मेरे पेट में दर्द और मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। अजय सिया, तो अभी फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा कि उसको ऐसा हो रहा था, डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उन्होंने दी है उसमें से एक दवाई ऐसी है जो हर किसी को सूट नहीं करती है, तो उस वजह से उसको हो रहा होगा, तो उन्होंने एक दवाई और मुझसे लिखवाई, वो दी है, तो इसको अब आराम है, अब आराम है ना। अच्छा सबको हाय कर दो, हाय तो कर दो सबको, क्यों अब तो ठीक है आपका फेस, एक बार दिखा तो दो, देखो सब आपको इतना प्यार करते हैं, इधर देखो ये देखो एक बार दिखा दो, तो इसके ये आप लोगों को वो बहुत ढंग से खोलो बेटा, आईज इतनी बंद नहीं है अभी, तो अभी आप लोगों को ये काफ़ी लग रहा होगा, लेकिन ये मुझे अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि जो मैंने इसका कल फेस देखा है मैं बहुत डर गई थी सच्ची में, तो नहीं अब सही है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है ये, अब इसके बिल्कुल दर्द भी नहीं है। हाँ तो ये उसकी जाड़ में जो उसके दर्द हो रहा था ना उसी वजह से इसका फेस पूरा स्वेलिंग कर गया, तो लेकिन अभी वो ठीक है ना सी, अब आप ठीक हो ना बिल्कुल, कोई दर्द नहीं है ना। हाँ तो 4 दिन बाद डॉक्टर ने इसको बुलाया है, एक बार इसका एक्सरा होगा दांत का देखने के लिए कि पस वगैरह है या कुछ भी क्लीन मतलब करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम लोग परसों जाएंगे अब ठीक है। तो अभी मैंने कपड़े लगा रखे हैं मशीन में, और आप लोग कैसे हो, आपके घर में सब कैसे हैं। कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी रेडी करके रख दूँगी मैं, झाग बना के रख दूँगी क्योंकि अभी कोई आ रहे हैं, मतलब जहाँ पहले मैं स्कूल पढ़ाती थी ना तो वहीं पर एक टीचर थी, मतलब और वो मेरी बिल्कुल बड़ी सिस्टर की तरह, मतलब बड़ी सिस्टर भी नहीं बोलेंगे, बड़ी सिस्टर ही है वो मेरी एक तरह से, क्योंकि बहुत अच्छी हैं वो, उनसे मतलब वो ऐसे मेरे साथ थी भी नहीं वहाँ पर, लेकिन उनसे बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, और अभी उन्होंने बोला कि कुछ मैं आ रही हूँ, तो वो काफ़ी बार आते हैं मिलने के लिए, और लेकिन मुझसे मिलने नहीं आते, वो मैं मम्मी से मिलने आते हैं, तो मैंने उनको बताया नहीं कि मम्मी घर में नहीं है, क्योंकि मम्मी लोग चाचा जी के घर जा रखे हैं, तो उनको मैंने बताया नहीं कि मम्मी घर पे नहीं है, अगर मैं बोलती ना कि मम्मी घर पे नहीं है तो बोलती है बाद में आऊँगी, मैं मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ, उनको मम्मी बहुत पसंद है, तो वो इसलिए आ रही होंगी, लेकिन तो मैं उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो ना फिर उनको भागने की रहती है जल्दी जल्दी, तो मैं सोच रही हूँ पहले से रेडी करके रख देती हूँ मैं, तो उनको मौका ही ना मिले कि मैं जा रही हूँ, फटाफट उनको कॉफ़ी बना के दे दूँगी, तो वो आती रहती है बीच बीच में मिलने के लिए ना, तो अगर वो ब्लॉग में आएंगी तो मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी उनसे, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही स्वीट नेचर। तो 12:30 बज गए हैं, वो मुझे बोलती मैं 12:30 बजे से पूजा आ जाऊँगी, क्योंकि आज हाफ डे रहता है ना सैटरडे को स्कूल का, इसलिए तो बल्कि वो मेरे साथ भी नहीं थी, मतलब वो दूसरे सेशन दूसरी क्लास में, मैं दूसरी क्लास में, लेकिन फिर भी उनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया, तो वो आ रही है, तो मैंने कहा चलो भाई कॉफ़ी कर ली, मम्मी बोल के भी जा रही थी कॉफ़ी बनाना उनके लिए, तो मैं हाथी कॉफ़ी बोल रही हूँ।
अभी आ चुकी हैं प्रीति मैम, तो ये हैं जो मम्मी से बहुत प्यार करती हैं, मतलब मुझसे भी करती हैं एज अ सिस्टर, मतलब और मम्मी को तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह मानती हैं वो। तो मैम आ रही थी तो इन्होंने लड्डू बनाए थे मेरे बच्चों के लिए, तो वो देने के लिए आई थी कि मैं लड्डू बनाया, तो मुझे याद आया आशी और सिया के लिए ले जाती हूँ, तो वो स्पेशली इसलिए ही आई थी आशी और सिया के लिए, और आशी और सिया को बहुत अच्छे लगे लड्डू जो मैम ने बनाए थे। और मतलब जो प्रीति मैम है ना, वो आशी की स्कूल टीचर भी रह चुकी हैं और उसी स्कूल में मैं भी पढ़ाती थी, तो वहाँ से तो रिश्ता था इतना, लेकिन जब आशी जाने लगी उसके बाद से कुछ ज़्यादा बातचीत हुई हम लोगों की और बहुत अच्छा सा रिलेशन बना। उसके बाद मैम हमारे वीडियोज़ वगैरह देखने लगी, तो फिर वो मम्मी से मिलने का उनका बहुत मन करता था, तो फिर वो वीडियो दे, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी जान पहचान, मेरी से जान पहचान काफ़ी साल, 12-13 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो वो आ जाते हैं जब भी उनको टाइम लगता है, क्योंकि स्कूल मेरे घर के बिल्कुल पास में है ना इसलिए। तो बस अभी मैंने मैम के लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि ये भाग रही थी, ये बोलते नहीं मैं जा रही हूँ मुझे लेट हो रहा है, तो मैंने कहा चलो नहीं पहले आप कॉफ़ी पी के जाओ आए हो तो अभी बीच में हम भी कभी जाएंगे मैम के यहाँ, तो मैं आपको बात भी करवाऊँगी, आज तो ऐसे ही हो गया ना, तो मैं अगली बार कभी भी जाऊँगी या मैम आएँगी तो मैं आपको ज़रूर से बात करवाऊँगी, बहुत अच्छी हैं और बहुत स्वीट नेचर की हैं सच्ची में। तो बस मैम से बात करी है, वो भी चले गई हैं, और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने सिया को खिचड़ी के लिए बोला है, तो मैंने कहा चलो मैं खिचड़ी बना देती हूँ और सभी खा लेंगे, पापा मम्मी तो है नहीं घर पे, तो चलो हम ही खा लेंगे, तो बस वो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कपड़े सारे धो दिए हैं, सारे दोनों तारे बिल्कुल फुल हो चुकी हैं, इतने कपड़े हो रहे थे आज, और थोड़े से मैंने दीवार पे भी डाल दिए, क्योंकि दीवार पे ही मोटे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो जो मोटी स्वेटर वगैरह थी वो इधर कर दी है, बाकी मैंने बेडशीट वगैरह, तो आज धूप बहुत तेज़ है तो ये आराम से सूख जाएंगे। तो बस कपड़ों का काम हो चुका है फिनिश, और अब मैं लगाऊँगी खाना, और यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। टाइम 3:15 बज गए हैं और हमारा लंच हो चुका है, तो ये भी खाना खा के चले गए हैं अभी, और मम्मी और अभी नहीं आए, मम्मी और आएंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब 3 बजे के टाइम मम्मी फोड़ती हम लोग आ जाएंगे 3:30 बजे तक। तो हम लोगों ने खा लिया, खिचड़ी बनाई थी आज मैंने, क्योंकि सिया को डॉक्टर ने मतलब ऐसा खिचड़ी दलिया वगैरह खाने के लिए बोला है, तो फिर मैंने कहा अकेले के लिए फिर मैं क्या बनाया अलग अलग ना, तो हम सबने खिचड़ी खा ली है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं कपड़े धोने लगी थी इसलिए लेट हो गया, तो 3:15 बज गए हैं, और किचन तो बिल्कुल गंदा ही नहीं हुआ, क्योंकि खिचड़ी बनाना ऐसे जाता है कुछ गंदा नहीं होता है खिचड़ी बनाने में, बर्तन हो गए थोड़े से, तो इन बर्तनों को मैं धोती हूँ, और उसके बाद मैंने 2-3 दिन से आंवले जो हैं अचार के लिए रखे हुए हैं, लेकिन सिया की तबीयत अचानक से ख़राब हुई ना, तो वो रखे हुए ही पड़े हुए हैं, तो उनका आज मैं अचार बनाऊँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं बर्तन धो देती हूँ फटाफट से, फिर हम लोग बनाएंगे वो, और फिर छत में जाएंगे थोड़ी देर बैठने के लिए, है ना सिया? ठीक है, तो फटाफट मैं बर्तन धोती हूँ, और मैम भी चली गई थी, और मैंने उनको पूछा कि आप व्लॉग में आओगे, तो उन्होंने बोला हाँ चल ठीक है, तो मैंने लगा दिया था ट्राइपॉड, क्योंकि पूछना सही रहता है ना, मतलब किसी को आना है नहीं आना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, तो वो पता है क्यों आ रही थी, वो स्पेशली इसलिए आई थी कि वो बोलते उन्होंने घर में ना आटे के लड्डू बनाए थे, तो वो बोल जब मैं बना रही थी मुझे आशी और सिया को भी लगा कि चलो जैसे मेरी बेटी है वैसे ये दोनों भी मेरी बेटी की तरह ही हैं, तो वो इन दोनों के लिए स्पेशली इन दोनों के लिए आई थी इस बार, मैं सोचती थी मम्मी और मेरे लिए आ रही होंगी, मतलब मम्मी से मिलना तो उनको अच्छा लगता ही है ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने लड्डू बनाए तो वो बोलते कि मैं सोचती थी चलो आशी और सिया के लिए जाती हूँ, तो इन दोनों ने वो लड्डू खा लिए हैं, 2 बचे हुए हैं, एक मैंने भी खाया है, बहुत टेस्टी बनाया था मैम ने, मतलब मैम ने दीदी हूँ वो बहुत गुस्सा करती है उनको मैम बोलती हूँ, तो चलिए फटाफट बर्तन धोते हैं, कपड़े बोल रहे हैं कपड़े तो धुल चुके हैं, बर्तन धोते हैं।
और अभी हो चुका है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम हम लोग 4 बजे या 4:30 या कभी उससे पहले भी हम लोग क्या खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि धूप देखो बहुत ज़रूरी है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कमरे में धूप आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे सर्दियाँ हैं तो हम लोग खिड़कियाँ बंद कर देते हैं शाम के टाइम, क्योंकि हवा बहुत तेज़ की रहती है, और गर्मियों में तो हमारी खिड़कियाँ खुली रहती हैं, रात को भी हम पर्दे वगैरह लगा देते हैं लेकिन खिड़कियाँ खुली रहती हैं। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं कर सकते, सर्दियों में लगाने ही पड़ते हैं पर्दे। तो अभी मैं कोई पर्दे लगा रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में आंवले का अचार बनाने के लिए। तो ये है वो आंवले जो मैंने, मतलब इसको मैंने परसों से इसको बॉईल करके और इसकी गुठलियाँ निकाल के इसको धूप में सुखाया है मैंने 2 दिन, और अब मैं इसका अचार डाल रही हूँ। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सूखे नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि धूप लगा दी थी मैंने इसको, और ये इंस्टेंट वाला है, आराम से बन जाता है, हम इसे बनाते साथ खा भी सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा धूप में रखेंगे तो वो और भी अच्छा है। तो इतने आंवले और आधे आंवले जो बचे हुए थे मैंने सारे उबाल दिए हैं, उसका मैं कुछ और बनाने की सोच रही हूँ, तो देखती हूँ शाम को शायद मैं वो बनाऊँगी। तो अभी मैं आंवले का अचार डाल देती हूँ, और मुझे डिब्बा भी ढूंढना पड़ेगा कोई इसको उसमें भरने के लिए, तो देखती हूँ तब तक मैं इसका जो थोड़ा तैयारी है वो कर देती हूँ। और मैंने सिया को दवाई वगैरह दे दी, और दोनों छत में चले गए हैं, मम्मी लोग अभी नहीं आए हैं, आने वाले होंगे वो भी, तब तक मैं अचार बना के रख देती हूँ। तो आंवले के अचार के लिए सबसे पहले मैंने जो हम इसमें मसाले डालेंगे ना वो सब मैं हल्का सा रोस्टेड कर रही हूँ, क्योंकि उससे जो है बहुत अच्छा अरोमा सा आता है, और साथ में जो मॉइस्चर रहता है मसालों का वो सब निकल जाता है। तो इसके लिए मैंने सौंफ लिया है, राई ली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी दाना लिया है, जीरा लिया है, बस इतने ही मसाले लेने हैं हमें, और इसको अच्छे से रोस्ट कर देना है, मतलब जलाना नहीं, हल्का सा रोस्ट कर देना है। और इसके बाद इसका दरदरा सा पाउडर मैं बना दूँगी मिक्सी जार में ही, मतलब तो हल्का सा दरदरा, बहुत बारीक नहीं, दरदरा जो हम लोग खाएं तो फिर हमारे मुंह में आए तो बहुत टेस्टी लगे इसलिए। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अचार, तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, और आपको पता है मेरे साथ क्या हो गया था, मैंने सरसों, हम जब सामान लेने गए थे ना ग्रॉसरी में, तो मतलब हम नहीं बोलेंगे, मैंने क्या करा, गलती कर दी, सारा का सारा मैं तिल का तेल उठा कर लिया ही सरसों की जगह, और अभी फिर मैं इसको चेंज करवा के लाई मम्मी के साथ, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ। तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्यों आया मुझे पता नहीं, सारा का सारा मैं तिल का तेल उठा कर लिया ही सरसों की जगह, पड़ा भी नहीं, सिर्फ कलर देखकर उठा कर ले आई हूँ। तो चलो कोई नहीं, ये गलती हो गई है मेरे से, तो कोई बात नहीं, एक बार गलती हुई है तो फिर सीख जाएंगे कि चलो पढ़कर ही लाएंगे अगली बार से। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल में जो मसाले मैंने अभी बनाया था, मतलब मैंने अभी, तो उसको मैंने डाल दिया है, हल्का सा भुना है, और उसमें हल्दी डाला है मैंने, और उसके बाद ही सीधा मैंने इसमें आंवले डाल दिए हैं, और आंवले के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी हींग। हींग क्या है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में फ्लेवर भी अच्छा देता है, तो इस वजह से हींग डाल दिया है। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है कलर वाली, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए इसलिए, और बस इसको अच्छे से मिला देंगे, और हमारा आंवले का अचार बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये हल्का सा ठंडा होगा तो मैं इसको कंटेनर में डाल दूंगी। तो ये 2 कंटेनर में आया है, एक तो मैंने प्लास्टिक वाले में डाला है और एक मैंने कांच वाले में, और ये बहुत टेस्टी हो रहा था, मतलब आप इसे बनाकर खा भी सकते हो तुरंत बाद। तो मैंने तो 1-2 पीस चख लिए थे नमक चेक करने के लिए ना, तो ये बहुत अच्छा बना था, और मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है इन कंटेनर्स में। तो अब इसको थोड़ा सा 1-2 दिन हम लोग धूप लगाएंगे या बीच बीच में लगाएंगे तो ठीक है, जब तक खा रहे हैं, और इसको ना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना खाना है उतना ही बनाओ और दोबारा से फिर बना लो। तो मेरा वीडियो आज यहीं तक था, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।